एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि फेमस फा और नोटोरियस फा में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध होना या मशहूर होना यानी पॉपुलर होना। तो कैसे समझे कि कब हमें बोलना चाहिए फेमस फा और कब हमें बोलना चाहिए नोटोरियस फा? तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ये सच है कि फेमस फा या नोटोरियस फा दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध होना या मशहूर होना यानी पॉपुलर होना, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोग कोई अच्छा काम करके फेमस हो जाते हैं यानी मशहूर या प्रसिद्ध हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी खराब काम को करके या कोई बुरा काम करके मशहूर हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फेमस फा का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंसान कोई अच्छा काम के लिए मशहूर हो या कोई अच्छा काम के लिए प्रसिद्ध हो। यानी जब कोई इंसान कोई अच्छा काम करके प्रसिद्ध या मशहूर होता है तो वहाँ हम बोलते हैं फेमस फा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आदमी बुरा काम करके या गंदा काम करके मशहूर हो जाता है या प्रसिद्ध हो जाता है तो वहाँ हम कहते हैं नोटोरियस फा। लगता है आप समझे नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो वो अपनी टीचिंग के लिए प्रसिद्ध है या वो अपनी टीचिंग के लिए मशहूर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज फेमस फॉर हिज टीचिंग, यानी वो अपनी टीचिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने बोला फेमस फा क्योंकि वो इंसान कोई अच्छा काम के लिए फेमस है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहना हो वो अपनी मक्कारी के लिए प्रसिद्ध है या वो अपनी मक्कारी के लिए मशहूर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नोटोरियस फॉर हिज कनिंग, यानी वो अपनी मक्कारी के लिए या चालबाजी के लिए मशहूर है। अगर आपको कहना हो वह सच बोलने के लिए मशहूर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज फेमस फॉर स्पीकिंग ट्रूथ। यहाँ मैंने बोला फेमस फा क्योंकि वह किसी अच्छे काम के लिए मशहूर है। लेकिन अगर आपको कहना हो वह झूठे बहाने करने के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नोटोरियस फॉर मेकिंग लेम एक्सक्यूज, यानी वह झूठे बहाने करने के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है। अगर आपको कहना हो वह अपने कमीनापंथी से मशहूर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज नोटोरियस फॉर हिज सर्विलिटी, यानी वह अपने कमीनापंथी से मशहूर है या प्रसिद्ध है। अगर आपको कहना हो वह अपने सिंगिंग से मशहूर है या प्रसिद्ध है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज फेमस फॉर हर सिंगिंग, यानी वह अपनी सिंगिंग से प्रसिद्ध है या मशहूर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि फेमस फा या नोटोरियस फा दोनों का मतलब होता है प्रसिद्ध होना या मशहूर होना। लेकिन जब कोई इंसान किसी अच्छे काम के लिए मशहूर होता है या प्रसिद्ध होता है तो वहाँ आप कहते हैं फेमस फा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप फेमस की जगह पर पॉपुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात नोटोरियस की करें तो नोटोरियस फा का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कहना हो कोई इंसान किसी गंदा काम के लिए या किसी खराब काम के लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।